स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। भाजपा, सपा, कांग्रेस के साथ ही बसपा ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि आज बुलाई गई ये बैठक संगठनात्मक रणनीति के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इस बैठक में यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। पश्चिम बंगाल छात्र समाज की ओर से आहूत नबान अभियान को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सचिवालय अर्थात नब्बान भवन व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। आज होने वाले अभियान के मद्देनजर राज्य के डीजीपी राजीव कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका दौरे पर रहेंगे और जिला के जामा प्रखंड के पांजन पहाड़ी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत संताल परगना प्रमंडल के चयनित लाभुक महिलाओं को सम्मान राशि का हस्तांतरण करेंगे। बता दें कि जिला प्रशासन ने इस आयोजन के बाबत तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अब 27 अगस्त यानी आज तक के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि आबकारी नीति घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को कोर्ट से बार बार झटका लग रहा है। वह पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी में शामिल करने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त को यानी आज की तारीख तय की है। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान और बस मालिक संघ की ओर से आज को प्रदेश स्तरीय चक्का जाम किया जाएगा। बता दें कि राजस्थान के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 24 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। बेगूसराय में भारी बारिश के बाद बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक छात्र छात्राओं के लिए समस्या बन गई है क्योंकि स्कूल के आसपास ही पानी जमा हो गया है। अब डीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए फिलहाल बाढ़ प्रभावित 80 से अधिक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके चलते आज भी सभी स्कूल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के व्यापारिक संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। इस दिन राज्य के सभी थोक और खुदरा बाजार बंद करने के साथ व्यापारी मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल को सफल बनाने और आगे की महत्वपूर्ण रणनीति तय करने के लिए राज्य के लगभग सभी व्यापारी संघों ने पिछले एक महीने से राज्य में कई बैठकें करने के बाद बंद का ऐलान किया है। चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने कुछ समय पहले ही अपने आगामी स्मार्टफोन वीवो T3 Pro 5G का टीजर जारी किया था। इस स्मार्टफोन को देश में आज लॉन्च किया जाना है। वहीं माना जा रहा है कि वीवो का ये नया स्मार्टफोन कई धांसू फीचर से लैस होने वाला है। दिल्ली NCR में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज की शाम को भी बारिश के आसार हैं। सुबह कई इलाकों में बारिश हुई थी लेकिन गर्मी से फिर भी लोगों को राहत नहीं मिली है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1604 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आदि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिस्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1859 में देश के महान उद्योगपति दोराबजी टाटा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1870 में भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1999 में सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मैरिन इंजीनियर बनी थी। आज ही के दिन 1999 में भारत ने कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहाँ बंदी बनाए गए पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा किया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।